बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी एक फॉर्म को चलाने का निर्णय लेते हैं बहुत सारे समझौते करते हैं आपस में तो वो एक साझेदारी फॉर्म के रूप में काम करना प्रारंभ कर देते हैं फिर हमने देखा कि गुडविल जो किसी साझेदारी व्यवसाय में अमूर्त संपत्ति के रूप में उपस्थित होता है उसकी वैल्यूशन हम कैसे करते हैं इन्हीं प्रश्नों में आपने बार बार देखा होगा कि एक बात आती है कि जो भी साझेदार आए ए बी सी या दो से अधिक तीन चार उनके आपस में लाभ बांटने के अपने कुछ अनुपात होते हैं जिस अनुपात में जिस रेशियो में वो फॉर्म को जो भी लाभ हानि होती है वर्ष के अंत में उस अनुपात में वो उसको साझा कर लेते हैं एक चीज हमने देखा कि जब इस तरह का साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है तो साझेदारों के मध्य आपस में एक लिखित समझौता होता, होता है जिसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख। और इस साझेदारी संलेख में फॉर्म के जो साझेदार होते हैं उनके लाभ विभाजन का जो अनुपात होता है वो पहले से निश्चित कर दिया जाता है लेकिन ये जो अनुपात निर्धारित किया जाता है कई बार ऐसे कारण होते हैं जिससे इन अनुपात में परिवर्तन करना पड़ जाता है और जब इन अनुपातों में परिवर्तन करना पड़ता है तो ऐसी दशा में व्यवसाय का यानी कि साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन या रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन क्या है जब साझेदारी व्यवसाय का पुनर्गठन किया जाता है तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में किस प्रकार से परिवर्तन होता है कैसे हम नए अनुपात की गणना करते हैं और पुनर्गठन करने के लिए हमको कौन कौन से अन्य खाते बनाने पड़ते हैं तो आइए सबसे पहले हम जाने कि पुनर्गठन क्या है तो जैसे कि हमने जाना कि जब साझेदारों के पुराने अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उस समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पुनर्गठन की प्रक्रिया कहलाती है अब इसके कुछ कारण भी होते होंगे बेवजह क्यों कोई भी साझेदार अपने साझेदारी अनुपात में परिवर्तन करना चाहेंगे कुछ निश्चित कारण होने के बाद ही इन अनुपातों में परिवर्तन किया जाता है तो आइए उन कारणों को देखते हैं जिसके लिए इन अनुपातों में परिवर्तन करना पड़ता है सबसे पहले हम देखते हैं लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन यदि किसी वजह से साझेदार आपस में समझौता करें कि पहले वाला जो लाभ हानि विभाजन अनुपात था उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए और आपस में समझौते के बाद वो अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लें तो यहाँ पर फिर से साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन की ज़रूरत होती है दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ हम देखते हैं कि कब कब ऐसा होता है जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश लेता है मान लीजिए एक फॉर्म में दो साझेदार हैं ए और बी सी को वो नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं तो जाहिर सी बात है सी अब इस व्यापार में आया है उसने पूंजी लगाई है या अपनी कार्यकुशलता लगाई है जो भी हो लेकिन वो पार्टनर बन के आया है तो ऐसी कंडीशन में अब वो ए और बी के साथ साथ सी भी लाभ का कुछ हिस्सा तो लेगा यानी अब इनको जो पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है तीन अनुपात दो उसमें कहीं ना कहीं सी को भी शामिल कर लेना होगा और अगर सी को भी इसमें शामिल करते हैं तो इनको फिर से पुनर्गठन की जरूरत पड़ती है यानी कि इनको अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना होगा तो एक तो ये दशा जब कोई नया साझेदार प्रवेश ले दूसरी एक दशा हम देखते हैं जब कोई साझेदार फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है या तो टाइम हो जाता है उसका अवकाश ग्रहण करने का तो वो अवकाश ग्रहण करता है रिटायरमेंट उसका हो जाता है या कभी कभी, -कभी कई साझेदार समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण कर लेते हैं रिटायरमेंट ले लेते हैं ऐसी कंडीशन में फॉर्म में जो साझेदार बच गए उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है जिसे एक एग्जांपल से हम देखें ए बी और सी किसी फॉर्म में साझेदारी फॉर्म में तीन अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में साझेदार हैं। बी फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है अब ऐसी कंडीशन में बी को अगर हम यहाँ से हटा दें तो बचता कौन है ए और सी तो जाहिर सी बात है कि पहले जो अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात एक था यानी जो लाभ का हिस्सा तीन लोगों में बट रहा था अब वो केवल दो लोगों में ही बटेगा और किस अनुपात में बटेगा इसकी फिर से एक नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो यहाँ पर लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है एक कंडीशन ये भी आती है जब किसी साझेदार की अचानक मृत्यु हो जाती है ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें होती हैं या तो लिखित समझौते के अनुसार उसका उत्तराधिकारी फर्म में प्रवेश कर जाए तो पुराना अनुपात जो है वो यथावत बना रह सकता है लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई संलेख में कुछ उल्लेख नहीं है और अचानक से कोई साझेदार किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि अब फॉर्म में जो शेष साझेदार बचे हैं उनका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा एक कंडीशन आती है जब फॉर्म का अमल या एकीकरण करना होता है हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह की काम करने वाली जो एक दो फॉर्म होती हैं वो लाभ की दृष्टि से किसी भी अन्य दृष्टि से वो अमल हो जाती हैं एक ही क्रिया ने उनका अमल हो जाता है ऐसी कंडीशन में आ, उनके जो पार्टनर होते हैं एक फॉर्म के वो दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म से मिल जाते हैं तो यहाँ पर फिर एक नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करने की ज़रूरत पड़ती है जिसे एक एग्जांपल से हम देखें आ, कि ए बी सी लिमिटेड जो है उसमें तीन पार्टनर है थ्री इज टू टू इज टू वन के रेशियो में और एक्स वाई जेड लिमिटेड फर्म है वो भी एक ही प्रकृति की दोनों फर्म है अगर इन दोनों का अमल हो जाता है तो पहले जहाँ एक फॉर्म में तीन पार्टनर थे ए बी सी थ्री इज टू टू इस टू वन में वहाँ पर अब हो जाते हैं छः पार्टनर और जाहिर सी बात है कि जब अमल कमीशन होगा तो संपत्तियों की जो वैल्यूशन है वो बढ़ेगी दायित्व में भी परिवर्तन आएगा स्थायी संपत्तियों के वैल्यू में भी परिवर्तन आएगा और सीधी सीधी बात है कि साझेदारों की संख्या भी बढ़ जाएगी ऐसी कंडीशन में पुराने अनुपात को जारी रखना संभव नहीं है तो यहाँ पर हमको नया लाभान्य विभाजन अनुपात कैलकुलेट करना पड़ सकता है तो ये हमने कुछ दशाएं देखी जबकि हमको नया लाभान्य विभाजन अनुपात की गणना करने की जरूरत होती है यहाँ हमने जो दशाएं देखी इस अध्याय में फर्स्ट जो हमने दशा देखी कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश फिर निवृत्ति और फिर मृत्यु फिर विघटन इस तरह से हर चैप्टर में हम एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ते जाएंगे तो आइए सबसे पहले देखते हैं नए लाभानी विभाजन अनुपात में जो परिवर्तन है वो क्यों होता है तो एक यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विद्यमान साझेदारों का नया लाभानी विभाजन अनुपात परिवर्तित हो रहा है अगर वो स्वयं ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि पूंजी में वो अगर वृद्धि करें या कोई परिवर्तन करें जिसे पहले उन्होंने कम पूंजी लगाई थी अब सभी साझेदार कुछ अतिरिक्त पूंजी लगाना चाहते हैं या कोई एक साझेदार और ज़्यादा पूंजी देना चाहे या हम देखते हैं कि कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जिनमें प्रबंधकीय कार्यकुशलता होती है तो वो अपने अनुपात को या लाभ अनुपात को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी कुछ कंडीशन अगर बनती है तो वहाँ पर हमको विद्यमान जो साझेदारी है उसमें हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करना पड़ता है यहाँ कुछ भी नया नहीं हुआ ना कोई साझेदार प्रवेश किया ना किसी साझेदार की मृत्यु हुई ना निवृत्ति हुई ना विघटन हुआ फिर भी हमने साझेदारी फॉर्म में यहाँ पर जो उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात था उसमें परिवर्तन किया एक बात हम देखते हैं कि जब हम ऐसा परिवर्तन करते हैं जब हम नया लाभ हानि विभाजन अनुपात हमारे सामने होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम कंपेरिजन करते हैं कि पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या था और नया लाभानी विभाजन अनुपात क्या है तो ऐसी कंडीशन में हम पुराने लाभानी विभाजन अनुपात में नए लाभानी विभाजन अनुपात को घटा देते हैं यानी कि डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ऐसा करते हैं नए और पुराने दोनों लाभानी विभाजन अनुपात में परिव डिफरेंस निकालते हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर जब भी हम लाभ हानि विभाजन अनुपात में कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर किसी साझेदार का लाभ हानि विभाजन अनुपात पहले की तुलना में बढ़ जाता है परिवर्तन करने पर तो हम मानेंगे कि वो तो हम मानेंगे कि वो नफे का साझेदार है यानी कि वो उसको प्राप्ति अनुपात उसके हिस्से में आ रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कई बार परिस्थितियां उल्टी हो जाती है कई बार जब हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराना जो अनुपात था उसके तुलना में नया अनुपात कम हो गया ऐसी कंडीशन में जिस साझेदार के हिस्से में यह दशा आती है उसको घाटा होता है हानि होती है तो उसके अनुपात को हम कहते हैं त्याग अनुपात या सेक्रीफाइजिंग रेशियो और जिसको लाभ होता है उसको हम कहते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात प्राप्ति अनुपात या फिर गेनिंग रेशियो तो इस पूरे चैप्टर में हमको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो की कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है और क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि जिस साझेदार को हानि हुई है जिस साझेदार के हिस्से में सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ रहा है त्याग अनुपात आ रहा है उसका उसकी जो हानि है उसको जो गेनिंग रेशियो वाले साझेदार हैं वो कहीं ना कहीं से फुलफिल करेंगे और जिस राशि से वो फुलफिल करेंगे जिस राशि से वो भुगतान करेंगे वो राशि क्या कहलाती है गुडविल कहलाती है जिसको हम प्रीमियम भी कहते हैं जब हम इसका इसके क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे तो हमको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि यहाँ पर हम रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे कभी हमको गैनिंग रेशियो मिलेगा कभी हमको सेक्रीफाइजिंग रेशियो मिलेगा लेकिन अब क्योंकि लाभ हानि अनुपात पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है आ, अगर कोई साझेदार फर्म में आया है प्रवेश किया है तो साझेदारों की संख्या बढ़ी है गया है तो साझेदारों की संख्या कम हुई है या अमल कमीशन हुआ है तो संपत्ति दायित्व में परिवर्तन हुआ है तो कुल मिलाकर संपत्ति दायित्व साझेदारों की संख्या यानी पूरी की पूरी स्थिति बदलती हुई नज़र आती है और यहाँ पर एक प्रॉपर वैल्यूएशन एक फाइनेंशियल ईयर में होना बहुत ज़रूरी होता है और ये जो संपत्ति दायित्व के मूल्य में बदलाव हुआ है इन सब के वैल्यूएशन के लिए हमको यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि री अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसके बारे में हम आगे और अच्छे से देखेंगे अभी हम यहाँ पर देख लें कि जब नए साझेदार का प्रवेश होता है तो हम क्या नियम बनाते हैं क्या नियम लगाते हैं तो हमने देखा था कि साझेदारी संलेख किसी भी कंपनी का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसके आधार पर जो साझेदार होते हैं वो अपना सारा का सारा व्यवसाय करते हैं इसी प्रलेख में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में भी नियम दिए गए होते हैं लेकिन साझेदारी अधिनियम उन्नीस सौ बत्तीस ये मानता है कि इस तरह के कोई नियम अगर नहीं दिए गए हैं तो ऐसी कंडीशन में जो विद्यमान साझेदार यानी पुराने पहले से जो साझेदार हैं वो आपस में मिलकर कोई निर्णय ले सकते हैं कि जब वो नए साझेदार को प्रवेश देंगे तो उसका अनुपात क्या होगा पूंजी की राशि क्या होगी और अन्य जो भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है फॉर्म में उसका रेशियो क्या होगा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम देख ले कि हो सकता है जैसे फर्म में साझेदार आ रहा है वैसे फर्म से कोई साझेदार चला जाए आ, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या फिर निवृत्त हो जाए रिटायर हो जाए दोनों ही कंडीशन में फर्म से एक साझेदार कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कौन से रूल हम फॉलो करें किन नियमों को लगाते हुए हम कौन कौन से अकाउंट बनाए ये भी साझेदारी संलेख में जो नियम उल्लेखित किए गए हैं उसके अनुसार ही होंगे लेकिन अगर साझेदारी संलेख में इस प्रकार से कोई नियम नहीं दिए गए हैं तो जो विद्यमान साझेदार हैं वो जैसे भी चाहें वो आपस में समझौता करके इस प्रकार से जो भी उनको निर्णय लेना है नए साझेदार या निवृत्त साझेदार या मृत्यु वाले जो साझेदार हैं उनके रेशियो को अब किस प्रकार से मैनेज किया जाए तो विद्यमान साझेदार ही इसका निर्णय करते हैं आइए अब देखें कि जब हम लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो हमको कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ हमको निकालना पड़ता है त्याग अनुपात या प्राप्ति अनुपात जिसके बारे में हमने इसके पहले देखा आ, कि किस प्रकार हम नए नय, नया जो लाभ हानि विभाजन अनुपात होता है और पुराना आ, जो लाभ हानि विभाजन अनुपात होता है दोनों में डिफरेंस निकाल कर दोनों में अंतर निकाल कर हम त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेते हैं तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात की कैलकुलेशन तो पहले जैसे हमने देखा जब हम यहाँ पर त्याग अनुपात की कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात जैसे कि हमने पहले भी जाना कि ये स्थिति तब उत्पन्न होती है त्याग अनुपात वाली जबकि पुराना अनुपात है जो वो ज़्यादा रहता है और नया अनुपात जो होता है वो कम हो जाता है यानी यहाँ पर क्षतिपूर्ति यहाँ पर एक त्याग वाली स्थिति बनती है और इससे जस्ट अपोजिट होता है लाभ प्राप्ति अनुपात तो लाभ प्राप्ति अनुपात के लिए यानी कि गेनिंग रेशियो के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यह हम देखते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात यानी पुराने अनुपात से नया अनुपात बढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर लाभ हो रहा है गेनिंग रेशियो हो रहा है कुल मिला के होता क्या है कि त्याग अनुपात होता है, वहां पर साझेदार होते हैं या जिसे हम कहते हैं कि वर्तमान पुराने साझेदार जो होते हैं वो किसी अन्य साझेदार पुराने साझेदार या नए साझेदारों को कुछ हिस्सा अपने त्याग का उनको समर्पित करते हैं प्राप्त करते हैं त्याग के रूप में गेनिंग रेशियो वाले साझेदार से और इसके साथ साथ ही यहाँ पर हमको समायोजन करना पड़ता है ख्याति का तो ख्याति का समायोजन करना हमको क्यों जरूरी होता है वास्तव में किसी भी फॉर्म में हम देखते हैं कि विद्यमान साझेदार जो होते हैं वो जब अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो त्याग करने वाले साझेदार को जो लाभ प्राप्ति अनुपात वाला साझेदार है वो उसकी क्षतिपूर्ति जब जब करते हैं तो वो ख्याति की राशि में से ही उस राशि को निकालते हैं जो सेक्रीफाइज जो पार्टनर है जिसको क्षतिपूर्ति की राशि देनी होती है वो ख्याति में से ही वो राशि निकाल के दी जाती है इसीलिए यहाँ पर ख्याति का समायोजन करना भी ज़रूरी हो जाता है एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि जितनी क्षतिपूर्ति हुई है यानी सेक्रीफाइजिंग रेशियो वाला पार्टनर का जो हिस्सा है और गेनिंग वाला जो पार्टनर है उसका जो हिस्सा है वो इक्वल ही हो जाता है क्योंकि जितनी क्षतिपूर्ति हुई है उसको उतना उसको गेनिंग वाला दे दिया है तो ओवरऑल जब हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल रेशियो डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल तो ये एंट्री पास करके हम ख्याति का समायोजन कर लेते हैं एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि संचय और अवितरित लाभ का हमको समायोजन करना होता है कोई साझेदार फॉर्म में आए या जाए किसी भी कारण जब फॉर्म का रेशियो चेंज होता है तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय लास्ट में जो हम समायोजन करते हैं जहाँ पर हम जो हमारे जितने भी संचय रहते हैं मैक्सिमम उन संचय को हम कैपिटल अकाउंट में जो हमारे पार्टनर रहते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो प्रोविजंस रहते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमको यहाँ पर भी करनी है तो आइए देखते हैं इस कंडीशन में हम क्या करते हैं अब ऐसे कंडीशन में जब संचय या अवितरित लाभ या हानि को आ, कैपिटल जो होता है साझेदारों का कैपिटल अकाउंट उसमें जब हम हम डिस्ट्रीब्यूट करते करते हैं तो यहां हम करते हैं तो पर एक जनरल एंट्री पास जो दो विधियों के अंतर्गत हम इन जनरल एंट्री को देखेंगे आइए देखते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्री ऐसी कंडीशन में हमको देनी होती है एक्स और वाई छह अनुपात चार के अनुपात में लाभ हानि का वितरण करते हैं उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया प्रत्येक साझेदार के त्याग और नफे यानी लाभ प्राप्ति का भाग ज्ञात कीजिए इस प्रश्न में हमको त्याग अनुपात और नफे का अनुपात यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो दोनों की कैलकुलेशन करनी है और जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि जब हमको सेक्रीफाइजिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात की गणना करनी होती है तो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो यहाँ पर त्याग अनुपात के लिए भी और लाभ प्राप्ति अनुपात के लिए भी दोनों के लिए हमको नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों ही चाहिए प्रश्न में हम देख रहे हैं कि पुराना अनुपात जो है वो दे दिया गया है x इज टू वाई का सिक्स इज टू फोर यानी हम कह सकते हैं कि x का है सिक्स अपॉन और y का है फोर अपॉन नया हमको कैलकुलेट करना होता है कई बार लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है कि उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया है तो दो ही पार्टनर है आधा आधा नया अनुपात मान लिया जाएगा अब क्योंकि हमारे सामने ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है तो पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात ज्ञात कर ले जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो x का जो ओल्ड रेशियो है वो है इसमें से हम माइनस कर देंगे न्यू रेशियो करेंगे तो जैसे कि हमने आ, हम, हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं जब हम भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ घटाव करते हैं तो अः हर में यहां पर हम दस और दो का लघुत्तम लेकर दस ले आएंगे और जो ओल्ड है है उसका जो जो हर यानी कि 10 से जो हमारा लघुत्तम आया है 10 10 से 10 को हम भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा और एक को जब हम इसके अंश यानी कि सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स ही आएगा फिर हम माइनस करेंगे आ, नया जो रेशियो है उसका जो हर है टू है टू आ, से हम टेन को डिवाइड करेंगे तो फाइव आएगा और फाइव को इसके अंश यानी कि वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन टेन ये हमारा त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा वैसे ही हम वाई के लिए कर लेंगे त्याग अनुपात तो y का ओल्ड रेशियो हम देख रहे हैं फोर अपॉन टेन है माइनस करेंगे न्यू रेशियो वन अपॉन टू फिर से हम इसके जो हर है टेन और टू उनका हम एलसीएम ले लेंगे निकाल लेंगे तो वो टेन आएगा फिर इसके हर से यानी कि जो ओल्ड रेशियो है y का उससे हम इसको डिवाइड करेंगे टेन वन 10 टेन uh, और वन जो आ रहा है उसको हम इसके अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन इंटू फोर फोर आ जाएगा वैसे ही न्यू रेशियो के लिए हम करेंगे टू से हम टेन को डिवाइड करेंगे फाइव आएगा और फाइव से वन को मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका अंश है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइव आ जाएगा और इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे फोर माइनस फाइव अपॉन टेन तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेन ये इसका आ, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे जो इसका त्याग रेशियो है वो आ, प्राप्ति के अनुपात में आ जा रहा है अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि x जो है वो सिक्स अपॉइंट टेन यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि थ्री अपॉइंट फाइव भाग का जो है वो लाभ प्राप्त कर रहा था लेकिन अब उसको लाभ में केवल आधा भाग प्राप्त होगा जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि बराबर बराबर प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि x द्वारा दिया गया जो लाभ है वो त्याग होगा और y जो चार बटे दस या हम इसको कह सकते हैं कि दो बटे पांच भाग प्राप्त कर रहा था तो अब नया अनुपात जब हमने देखा तो वन अपॉइंट टू आधा आधा क्योंकि प्राप्त करेंगे तो वन अपॉइंट टू भाग वो लाभ प्राप्त करेगा तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि y को नया अनुपात के रूप में जो भाग की प्राप्ति होगी वो एक बटे दस होगा इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात होता है और x का जो त्याग है वो एक बटे दस बराबर y द्वारा जो प्राप्ति है एक बटे दस के बराबर होगा एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाने पर प्लस में अगर आंसर आता है जैसे कि हमने के लिए देखा तो उसको हम त्याग अनुपात यानी कि रेशियो कहते हैं और माइनस में अगर आंसर आता है जैसे कि हमने वाई की कंडीशन में देखा तो उसे हम प्राप्ति यानी नफे का अनुपात या ज्ञानिंग रेशियो भी कहते हैं निम्नांकित विवरण से प्रत्येक साझेदार के नफे तथा त्याग का भाग ज्ञात कीजिए पुराना अनुपात ए के लिए है टू बी के लिए थ्री और सी के लिए फाइव पर हमको ए बी और सी तीनों के लिए अः त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात याद करना है जैसे कि हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि अगर माइनस में अगर वो आंसर हमको प्राप्त होता है यानी वो नफे का अनुपात है गेनिंग और अगर माइनस में वो आंसर हमको प्राप्त होता है तो वो सैक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है सिंपल हमारा जो फॉर्मूला है आ, उस, उस पर पुट करके हम इन नंबर्स को बहुत आसानी से गेनिंग रेशियो सैक्रीफाइजिंग रेशियो ज्ञात कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ए के लिए जब हम त्याग या फिर प्राप्ति अनुपात की कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात तो पुराना अनुपात है यहाँ पर टू अपॉन टेन ए के लिए और नया अनुपात है यहाँ पर थ्री अपॉन टेन तो उस अगर हम इसको माइनस करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा और हम अभी तक भी देखते आए हैं कि, कि किस प्रकार हम भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमको मिल जाएगा टू माइनस थ्री अपॉन टेन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है कि आ, नफे का ये अनुपात है दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं आ, बी का जो ओल्ड रेशियो है थ्री अपॉन टेन उसमें से हम न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है थ्री माइनस फाइव अपॉन टेन इक्वल टू माइनस टू अपॉन टेन क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है तो ये गेनिंग रेशियो यानी कि नफे का अनुपात या प्राप्ति अनुपात क्या लाएगा और बिल्कुल ऐसे ही हम सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो सी के लिए हो जाएगा अनुपात माइनस टू अपॉन टेन नया अनुपात तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव माइनस टू अपॉन टेन इक्वल टू थ्री अपॉन टेन ये प्लस में आ रहा है तो हम इसको सेक्रीफाइजिंग रेशियो मान लेंगे हमको एक बात को ध्यान में रखना है कि ए का नया अनुपात जो है वो पुराने अनुपात से अधिक है यानी हम ये मान लेंगे कि उसको नफा हुआ है प्रॉफिट हुआ है प्राप्ति अनुपात मान लेंगे वैसे ही बी का भी हम देख रहे हैं कि बी का जो नया अनुपात है वो पुराने अनुपात से अधिक है अः तो यहाँ पर भी हम इसको नफा मान लेंगे लेकिन सी का जो अनुपात है वो पुराने अनुपात से कम दिखाई दे रहा है तो उसे हम त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो मान लेंगे अ ब स और द फर्म में क्रमशः एट इज टू तो फाइव इज टू तो फोर तो के अनुपात में साझेदार हैं। भविष्य में वे अपना लाभ विभाजन अनुपात फोर इज टू तो थ्री इज टू टू रखना चाहते हैं प्रत्येक साझेदार के नफे तथा त्याग के भाग की गणना कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार साझेदार हैं ए बी सी डी और उनका जो अनुपात है नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया गया है इनका ओल्ड रेशियो है हम इसको लिख लेंगे अच्छे से एट इस टू फाइव इस टू फोर इस टू थ्री और न्यू रेशियो है इनका फोर इस टू थ्री टू इस टू वन अब हमको क्योंकि यहाँ पर या तो गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है तो हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे अभी तक हम करते हैं ओल्ड रेशियो में हम न्यू रेशियो माइनस करके देखते हैं तो ए के लिए हम देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो जो है वो है एट अपॉन ट्वेंटी और न्यू रेशियो जो है वो है फोर अपॉन टेन तो यहाँ पर इसको अगर हम माइनस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाता है एट माइनस एट अपॉन ट्वेंटी यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी रेशियो इस करना तो गेनिंग रेशियो है ना अः सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे नील ये दिखाई दे रहा है बी के लिए हम देखते हैं कि बी का जो ओल्ड रेशियो है वो है फाइव अपॉन ट्वेंटी और न्यू रेशियो हम देख रहे हैं यहाँ पर थ्री अपॉन टेन दिखाई दे रहा है तो फाइव अपॉन ट्वेंटी माइनस थ्री अपॉन टेन अगर हम करते हैं तो ट्वेंटी और टेन का एलसीएम लेने पर हमको ट्वेंटी मिलता है और फिर हम हमने पहले देखा कि किस प्रकार से हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसमें हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फाइव माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन क्योंकि माइनस में आ रहा है हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ओल्ड रेशियो जो है वो कम है और न्यू रेशियो जो है वो ज्यादा है तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमको गेन मिल रहा है सी के लिए हम देख रहे हैं कि सी का जो ओल्ड रेशियो है वो है फोर अपॉन ट्वेंटी और न्यू रेशियो जो है वो है टू अपॉइंट टेन इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाता है फोर माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर माइनस फोर जीरो नील हो जा रहा है तो ना तो उसको उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और ना ही उसका गेनिंग रेशियो है डी के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो जो है वो है थ्री अपॉइट ट्वेंटी और न्यू रेशियो जो है वो है वन अपॉइंट टेन कैलकुलेशन हम इसकी करते हैं तो हमको मिल जाता है में, तो ना उसको हम कहीं गेनिंग रेशियो मान रहे हैं ना हम उसको सेक्रीफाइजिंग रेशियो मान रहे हैं बी को हम देख रहे हैं कि वन अपॉइंट टेन उसका गेनिंग रेशियो है माइनस में आ रहा है और डी जो है वो वन अपॉइंट टेन जो है वो उसका Uh, होता है। के समायोजन में जैसे कि हमने देखा कि जो साझेदार होते हैं उनके लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन हो जाता है यानी परिवर्तन होने का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि एक साझेदार जो है वो दूसरे साझेदार के लाभ के कुछ भाग को यानी कुछ हिस्से को वो खरीद लेता है या ले लेता है इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो खरीदने वाला क्रय करने वाला साझेदार है वो उस साझेदार के द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को उसकी जो ख्याति की राशि रहती है हम कहें कि ख्याति की जो अनुपातिक राशि रहती है उसके हिस्से की जो राशि रहती है उसका भुगतान करके हम इस तरह की जो हानियां होती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं यहां हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो हानि या क्षतिपूर्ति है वो उस भाग के बराबर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक इसको हम अच्छे उदाहरण से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं मान लेते हैं हम कि दो साझेदार हैं ए और बी और इनका जो अनुपात है पुराना अनुपात है वो है वन टू वे में अपना लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर रखने का निर्णय लेते हैं तो इस प्रश्न के आधार पर क्योंकि इनका पुराना अनुपात है वन टू और नया जो अनुपात है वो है वन इंस टू वन क्योंकि दो ही साझेदार है बराबर बराबर के साझेदार है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एस टू बी अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो पुराना अनुपात है वन टू थ्री और नया अनुपात है वन वन अब अगर हम इनका प्राप्ति या त्याग अनुपात निकालें तो हम देखते हैं कि ए का जो पुराना अनुपात है वो है वन अपॉइंट फोर इसमें से हम माइनस कर दें, नया अनुपात 1 upon 2, तो ये स्टेप में हमको मिल जाता है वन माइनस टू अपॉइंट फोर या हम कह सकते हैं माइनस वन अपॉइंट फोर यानी कि ये गेनिंग रेशियो है और सेम इसी तरह हम बी के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो बी का जो पुराना अनुपात था वो था थ्री अपॉइंट फोर और नया जो अनुपात हम देख रहे हैं वो है आ, तो थ्री माइनसिंग रेशियो बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ए को गेनिंग रेशियो मिल रहा है यहाँ हमने इस उदाहरण में देख लिया कि जो बी है वो ए को एक बटे चार भाग वन फोर्थ भाग का त्याग किया जा रहा है अगर इसके अकॉर्डिंग एक हम उदाहरण मान लें कि फॉर्म का लाभ फोर्टी थाउजेंड है पर ईयर फोर्टी थाउजेंड है तो ऐसी कंडीशन में जो बी का भाग है कि हम ये मान लेंगे कि उसको दस हजार रुपए की हानि होगी और इसकी जो क्षतिपूर्ति है जैसे कि हमने अभी देखा कि इसकी क्षतिपूर्ति ए के द्वारा बी को ख्याति में से एक बटे चार भाग देकर पूरी की जाएगी अब एक एग्जाम्पल से मान लें कि फर्म की तो द्वारा बी को कितना रुपया दिया जाएगा कैलकुलेट कर और हमने इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री भी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गेनिंग रेशियो किसका आया है ए का तो एज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज़ कैपिटल अकाउंट और कितना इसने दिया है 5000 तो यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट में 5000 लिखेंगे और नरेशन uh, हम लिख सकते हैं बीइंग शेयर ऑफ गुडविल पेड तो हमने देखा कि जिसको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है यानी कि जो त्याग करता है उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है जैसे यहाँ पे हमने देखा कि बी जो है त्याग अनुपात आया था उसको क्षतिपूर्ति की गई है तो बी को हमने क्रेडिट किया है और जो साझेदार क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करता है यानी यहाँ पे जिसको लाभ प्राप्त होता है नफे वाला जो साझेदार रहता है जैसे कि यहाँ पे ए था तो उसको हमेशा उसके पूंजी खाते को डेबिट करना है तो इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अशोक अनिल व सुनील एक फॉर्म में साझेदार हैं, जो चार अनुपात तीन अनुपात दो के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं ख्याति पुस्तकों में नहीं है पर उसका मूल्य 36,000 मूल्यांकन किया गया साझेदारों को समान अनुपात में लाभ हानि बांटना निश्चित किया गया उपयुक्त परिवर्तनों का लेखा कीजिए व अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार का त्याग व लाभ प्राप्ति अनुपात बताइए यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले हम इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे कि अशोक अनिल और सुनील का जो रेशियो है ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में दिया गया है फोर इंस टू थ्री इंस टू टू है और न्यू रेशियो क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि समान अनुपात में वो लाभ हानि का बांटना निश्चित करते हैं तो तीन साझेदार है तो तीनों को वन टू वन टू वन, वन मान लेंगे अब इस कंडीशन में हम अशोक का अनुपात देखें तो ये हो जाएगा अशोक का जो नया था वो हो जाएगा फोर अपॉन नाइन और अशोक का जो ओल्ड रेशियो था वो हो जाएगा फोर अपॉन नाइन और जो न्यू रेशियो था वो है वन अपॉन थ्री तो फोर अपॉन नाइन में से वन अपॉन थ्री हम माइनस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा फोर माइनस थ्री अपॉन नाइन इक्वल टू प्लस में आ रहा है यानी कि रेशियो हम इसको मान लेंगे सेम ऐसे ही कैलकुलेशन हम अनिल के लिए करेंगे अनिल का ओल्ड रेशियो है थ्री अपॉन नाइन और न्यू रेशियो है वन अपॉन थ्री इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री अपॉन नाइन इक्वल टू जीरो अपॉन नाइन यानी नील मान लेंगे ना इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे शो हो रहा है और ना गेनिंग रेशियो शो हो, हो रहा है अब सुनील के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सुनील के हिस्से का जो ओल्ड रेशियो है वो है टू अपॉन नाइन और न्यू uh, रेशियो जो है वो है वन अपॉन थ्री इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा टू माइनस थ्री अपॉन नाइन इक्वल टू वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन नाइन यानी कि गेनिंग रेशियो है अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि ख्याति पुस्तकों में नहीं है पर उसका मूल्यांकन जबकि ख्याति का की की वैल्यूएशन गई है से से तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से इसका वितरण करेंगे बंटवारा करेंगे ये हम देखते हैं लेकिन उसके पहले हम एक बार ध्यान दे दें कि अशोक के हिस्से में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है और सुनील के हिस्से में गेनिंग रेशियो आ रहा है आ, ये अलग बात है कि दोनों में वन वन नाइन आ रहा है Uh, अब यहाँ पर थर्टी सिक्स थाउजेंड का हम वन अपऑन नाइन जो कि uh, सुनील जो है गेनिंग रेशो वाला जो है वो सेक्रीफाइस uh, करने वाले पार्टनर को देगा तो वो कितनी अमाउंट देगा उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अशोक के, uh, के हिस्से की के जो गुडविल टोटल जो गुडविल है उसमें अशोक का हिस्सा क्या है गुडविल थर्टी सिक्स थाउजेंड इक्वल टू वन अपॉन नाइन यानी कि फोर थाउजेंड की गुडविल अशोक की है अनिल का तो कुछ भी कैलकुलेशन में नहीं आया है तो नील मान लेंगे और सुनील के हिस्से की गुडविल भी थर्टी सिक्स थाउजेंड वन अपॉन नाइन इक्वल टू फोर यानी कि फोर थाउजेंड ही आता है तो अशोक को का क्योंकि सैक्रीफाइसिंग रेशियो है तो उसको प्राप्त होगा उसको जो गेनिंग रेशियो वाला पार्टनर है वो उसको देगा फोर थाउजेंड और देगा कौन सुनील देगा क्योंकि गेनिंग रेशियो उसको उसके हिस्से में आ रहा है 4, सुनील देगा तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो वहां पर हम जो गेनिंग पार्टनर कैपिटल होता है उसको डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइजिंग वाले को हम क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे गेनिंग वाला कौन है सुनील है तो सुनील के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाला कौन है अशोक है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर एक जनरल एंट्री हो जाएगी सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट बिंग गुडविल एडजस्टेड और फोर थाउजेंड से हम इसके एंट्री करेंगे पहला जब संचयों तथा अविभाजित लाभों एवं हानियों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाए आ, संचयों अवितरित लाभ के हस्तांतरण पर रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व अवितरित हानियों के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट संचयों एवं अवितरित लाभ व हानियों को पूंजी खाते में हस्तांतरित न किए जाने पर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट इन रिजर्व इन द रेशियो ऑफ गेन और सेक्रीफाइस तो आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करके इस विधि को हम और अच्छे से समझें ए बी और सी एक फॉर्म में साझेदार हैं, जो लाभ हानि को टू इंस्टू टू इस्टु इस्टु वन के अनुपात में बांटते हैं एक अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया उस तिथि को लाभ हानि खाते में तीस हजार रुपए व सामान्य संचय खाते में 22500 रुपए का शेष था फॉर्म के पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां यह मानते हुए करें कि साझेदारों ने लाभ हानि व संचय को न बांटने का निश्चय किया यहां पर हम देख रहे हैं कि ए बी और सी जो तीन पार्टनर हैं उनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 2:2:1 और बाद में उन्होंने लाभ को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया यानी वन इज टू वन इज टू वन मान लेंगे यहाँ पर हमको जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे लेकिन एक जो हमको यहाँ पर नई बात देखने को मिल रही है वो ये है कि उनके लाभ हानि खाते का और समान संचय खाते का शेष बताया हुआ है इसको हमको कैसे एडजस्ट करना है उनका जो नया अनुपात आता है या गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग उसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे ये हमारे लिए यहाँ पर नई बात होगी तो सबसे पहले हम पहले की तरह इनके ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को यहाँ पर लिख लेंगे ओल्ड रेशियो है ए बी और सी के लिए टू इज टू टू इज टू वन और न्यू रेशियो है ए बी सी के लिए वन इज टू वन इज टू वन हम इनके लिए या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले तो सबसे पहले हम ए के लिए ओल्ड रेशियो था टू अपॉन फाइव और न्यू ओ है इसका वन अपॉन थ्री तो टू अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन थ्री ये हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव अपॉन फिफ्टीन यानी वन अपॉन फिफ्टीन ये सेक्रीफाइजिंग हमको यहाँ पे दिख रहा है प्लस में त्याग अनुपात दिख रहा है Uh, फिर हम देख रहे हैं बी के लिए तो बी का ओल्ड रेशियो है टू अपॉन फाइव और न्यू रेशियो है यानी तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम इसको मान लेंगे और C के लिए हो जाएगा ओल्ड रेशियो वन अपॉन फाइव माइनस न्यू रेशियो वन अपॉन थ्री यानी थ्री माइनस फाइव अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू माइनस टू अपॉइंट फिफ्टीन गेनिंग रेशियो क्योंकि माइनस टू अपॉइंट फिफ्टीन आ रहा है यानी कि जो ओल्ड रेशियो है वो कम है और न्यू रेशियो ज्यादा है तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो हमको पर दिखाई दे रहा है अब हम देखते हैं कि जो इनका अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है एडजस्ट करना है वो अमाउंट कितनी है तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिख रहा है हमको यहाँ पर थर्टी थाउजेंड और एक हमको दिख रहा है सामान्य संचय में जो राशि अंतरित की गई थी जनरल रिजर्व की यानी टोटल अमाउंट दिख रही है 52500 अब इस 52500 को हम ए बी सी का जो न्यू रेशियो हमको सैक्रिफाइजिंग या गेनिंग रेशियो मिला है उसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ए के लिए हो जाएगा 52500 1/15 यानी 3500 B के लिए हो जाएगा 52500 1/15 यानी 3500 और C के लिए हो जाएगा 52,500 टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी कि 7,000। इसके हम जनरल एंट्री पास कर देंगे जैसे कि अभी तक हमने देखा किस तरह से हम जनरल एंट्री यहाँ पर पास कर रहे हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो एक यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है सी और दो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है ए और बी तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू ए कैपिटल कैपिटल अकाउंट, अकाउंट। का हिस्सा जो था वो था बी के हिस्से में जो आया था वो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टोटल जो है वो सी के कैपिटल में चले जाएगा नरेशन हम लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टेड ड्यू टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द